गुड आफ्टरनून प्यारे साथियों, अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के तमाम विद्यार्थियों की, तो प्रमोद को लेके क्योंकि उनका समय काफी व्यतीत हो रहा, काफी खराब हो रहा है, तो उस बारे में अपन चर्चा नहीं करें। तो इसके बारे में बात करें तो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के जितने भी अधिकारी है या जहाँ से आपने फॉर्म भरा है, सबसे पहला काम है अपने को उनको जगाना है। सबसे पहले उन पर सवाल खड़े करना है कि भाई हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि राजस्थान अजमेर बोर्ड के विद्यार्थियों पर नोट किया गया, तो हम राजस्थान ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों पर नोट क्यों नहीं किया गया, बल्कि NIC विद्यार्थियों पर नोट कर दिया गया, तो हमें क्यों नहीं किया गया। तो सबसे पहले आपका काम यह है, जहाँ से आपने फॉर्म भरा है वहाँ विश्वविद्यालय में जाइए, जहाँ वहाँ के प्रिंसिपल है उनसे बात कीजिए, और जहाँ जो ओपन बोर्ड का अधिकारी है वहाँ जो फॉर्म भरते हैं उनसे बात कीजिए कि जहाँ भी जिस विद्यालय में भरा है वहाँ से बात कीजिए, और बात करने के बाद वो क्या जवाब देते हैं वो जरूर आप सुनिए, और फिर वो बताइए कि उनकी क्या क्या राय है। उनको बोलिए कि सर हमारा एक दो दिन के अंदर सोल्यूशन निकालो, या तो एग्जाम करो या हमें सीधा प्रमोट कराओ। अगर प्रमोट एग्जाम नहीं करवाते हो तब हम धरना देंगे, चाहे जयपुर आना पड़े, चाहे यहाँ जहाँ से अपन ने फॉर्म भरा है वहाँ आना पड़े, हम ऐसा कुछ करेंगे। तो इससे अच्छा है आप जल्द से जल्द हमारा निर्णय निकाले और एग्जाम करवाएं, या फिर प्रमोट करें। सब विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों, और हमारा ये समय क्यों खराब किया गया। हमारे जो अभी कोरोना काल से बीच में 3 साल का जो समय खराब किया गया है उसकी भरपाई कौन करेगा। तो ऐसी प्रकार से वहाँ हमें तमाम जो भी बातें और राजस्थान स्टेट ओपन में रखनी है। तो जहाँ से पहला काम आपसे जहाँ से फॉर्म भरा है वहाँ से उन टीचर से बात कीजिए, वहाँ के प्रिंसिपल उनसे बात कीजिए, बात करने के बाद वो क्या बोलते हैं वो जरूर देखिए। और दूसरी बात यह है कि उनसे एक बार आप मिलिए, उनकी क्या राय है, सर हमें आंदोलन करना चाहिए क्या करना चाहिए, जो भी वो राय देते हैं वो आप कमेंट में बताना कि सर हमारे जो टीचर्स हैं वो ये राय दे रहे हैं, या जैसे भी आपका संपर्क होता है फ़ोन कॉल या किसी के माध्यम से, तो वो एक बार जरूर करना, आप चाहे फ़ोन पे हो चाहे कैसे भी हो, तो वो उनसे जुड़ने की कोशिश करना, और उनके जुड़ने के बाद उनके भी सवाल जो वो मेरे को जरूर बताना, ताकि फिर अपन क्या आगे बढ़ा को एक्शन लें, इससे पहले अपन क्या एक्शन लें इसके। तो एक बार इनसे जरूर अधिकारियों से बात कीजिए, प्रिंसिपल है या वहाँ का जो भी चीफ ऑफ है वहाँ, जब राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में जो फॉर्म भरते हैं उनसे एक बार बात करके फिर पुनः हमें कमेंट डालिए कि सर ये चीज़ इस प्रकार से हो रहे हैं। तो अगर वो बोलते हैं, अगर उनको पूछे कि सर आप हमारे साथ हो या नहीं, हम आंदोलन करेंगे, तो वो क्या बोलते हैं उसी प्रकार की बात को हमें जरूर बताना, हमें दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो आप जितने भी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के विद्यार्थी हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचना, ताकि वो भी इस प्रकार की बात है अपने टीचर से रख सके। और जो भी आपका कोई सवाल है वो कमेंट में जरूर डालना, और जितने भी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की विद्यार्थी है वो कुछ समय के लिए एकजुट होकर रहे और एकजुट होकर कार्य करें। और दूसरी बात, अब आपको जल्द ही प्रमोट किया जाएगा, आप बहुत ज़्यादा दबाव बनाओ सरकार पे, ट्वीट करते रहो, और जहाँ से फॉर्म भरा है वहाँ पर भी दबाव बनाना स्टार्ट करो, तब भी अपना कुछ हो पाएगा। और जितने भी विद्यार्थी है वो सब ट्वीट करते रहे, और जहाँ से फॉर्म भरा है वहाँ पर भी आप दबाव बनाएं। और नीचे में ग्रुप में लिंक डाल रहा हूँ अपने इस जो चैनल है उसकी, तो आप इसमें जुड़ना, ताकि अपन सब मिल के साथ कुछ अच्छा अच्छा कार्य कर सकें। तो जुड़ नीचे जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे आपको ग्रुप है उसका ज्वाइन कर लेना है, फिर अपन कुछ आगे एक्शन ले सकें।